और भी उधर साइड रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे एक ही दिख रहा है, अंदर जाने की जगह नहीं है। एक ही दस पुरानी यहाँ पे ताजा होती है, किस तरह मम्मी लोग कांच में जाती थी, रोज शाम को साफ करती थी। आज हम आए हैं हमारे ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस है, गांव में मिलन केंद्र है। ये मिलन केंद्र का एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करते हैं। ये पूरा ग्राउंड है और ये सामने ये जो बिल्डिंग है, ये मिलन केंद्र की बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारा ऑफिस है, पहले कॉरिडोर है, उसके बाद हमारा ऑफिस है। तो अभी लंच ब्रेक हो गया है, तो वर्क चल रहा है, हम जा रहे हैं अपने घर। तो आज यहाँ पर किसान लोगों का केवाईसी हो रहा है, तो सब लोग आए हुए हैं। अंदर चल के देखते हैं क्या वर्क हो रहा है। तो अभी तक हम काफ़ी यहाँ पे वर्क ही काफ़ी देर से कर रहे थे और अब थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। ये कॉरिडोर है मिलन केंद्र का और इसके अंदर जो है वो ऑफिस है मेरा। ये देखते हैं, अभी तो काफ़ी सारे लोग हैं, ये सब किसान हैं और यहाँ पर ये वर्क चल रहा है। ये है मेरा डेस्क, तो अभी तो ऑफ पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे वर्क चल रहा है किसान लोगों का, केवाईसी का। आज गांव की सारी चीज़ें दिखानी है, हमारा ऑफिस दिखा दिया और अब दिखाएंगे हमारा घर, गांव का बचपन वाला घर। तो बने रहिए हमारे साथ। बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं, ये हमारे घर की ही गली है, तो आगे चल के दिखाते हैं हमारा बचपन का घर। ये देखिए, ये हम पहुंच गए अपने घर। तो आज हम दिखाएंगे आपको हमारे बचपन का घर। ये देखिए ऐसा दिखता है, और बचपन में तो हम यहीं रहते थे। ये घर के सामने क्यारी बनी हुई है, ये अभी बनी है, पहले यहाँ पे और चीज़ें थी, पेड़ लगा था यहाँ पे, एक कड़ैल का पेड़ था। अब यहाँ पे क्यारी लगी है, छोटे छोटे फूलों के पेड़ पौधे लगे हैं। और आइए चलते हैं अंदर दिखाते हैं घर। ये मेन एंट्रेंस है, ये घर का मेन एंट्रेंस है। और एक ये गेट है, ये जो गेस्ट रूम है बगल वाला, यहाँ से एक गेस्ट रूम का एंट्रेंस है। अंदर से भी रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता है। मेन एंट्रेंस ये है, यहाँ से दिखाते हैं। अंदर आते ही ये आपको ये जो एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते थे बरोट। तो ये बरोट है और इधर ये गेस्ट रूम है। तो गेस्ट रूम आपको बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले ये कुठरिया दिखाते हैं। इसको कुठरिया बोलते हैं, जितने भी इस तरह के कमरे होंगे सबको गांव में बोलते हैं कुठरिया। ये देखिए 0 वाट के बल्ब के साथ आपको दिखा रहे हैं कुठरिया। 0 वाट नहीं, 100 वाट। अरे सॉरी, 100 वाट का। ये 100 वाट का पीला वाला बल्ब के साथ आपको हम दिखा रहे हैं कुठरिया। ये देखिए, यहाँ पे स्टोर ऐसे किया जाता था सारी चीज़ें। यहाँ पे एक टाल टाइप का बना दिया जाता है, पुराने टाइम में ऐसे बनाया जाता था। एक यहाँ पे टाल बना हुआ है और एक ये टाल बना हुआ है। ये बक्सा रखा है, बाहर से दिखाएं जूम कर। ये देखिए, इसको देख के भी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी। इसको यहाँ पे बोला जाता है हमारे यहाँ खिड़कियाँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा है, पहले यहाँ पे दूध दूध रखा जाता था या और भी चीज़ें जो होती थी वो रखा जाता था ख़राब होने से बचाने के लिए। और ये आरे हैं, इनको आरा बोला जाता है गांव में, आपके यहाँ क्या बोला जाता है ये ज़रूर बता। अभी आपने ये कुठरिया देखी है और बरोट में क्या क्या चीज़ें रखी हम आपको वो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये बैट जिससे हम लोग बचपन में बैट बॉल खेला करते थे। ये बैट अभी छोटा लग रहा है, बचपन में यही बहुत भारी और बड़ा लगता था, तो इसको यहाँ रख देते हैं।
और अलमारी में दिखाते हैं। ये दिया जलाने के लिए मिट्टी का तेल है और ये दिया है। ऐसे मिट्टी के तेल से दिया जलाया जाता था पहले के समय में, वो अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये सारा अनाज यहाँ पे लगा हुआ है और साथ में तराजू भी है। और ये देखिए, ये यहाँ पे छाता लगा रहते, जिसको बाहर जाना हो, धूप में जाना हो, बारिश में जाना हो, तो वो लेके चला जाए, तो ये यहाँ पे आ जाते। पहले भी इसी जगह लगा रहता था पहले भी, और अभी भी इसी जगह लगा रहता है। याद दिलाते ये पुरानी वाली। अब अंदर चलते हैं। चलिए यहाँ से अंदर हम लोग आएंगे तो हमें हमारा आनंद मिलेगा। ये राकेश है, ये अपने बटाई जा रहे हैं, अम्मा से हिसाब की बात कर रहे हैं, इनको इग्नोर करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे पहले शीशा लगा होता था, अब शीशा जो है वो धूप से खराब हो गया था, धूप की किरणें पड़ रही थी, धूप से खराब हो गया था, इसलिए शीशा यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे आरा दिख रहा है। और ये पत्थर वाली अलमारी बोलते थे इसको। और ये देखिए एक चीज और दिखाते हैं, आरे में क्या रखा है। आरे में रखा है ये नीम की ये है टूथपिक जो अभी हम लोग यूज करते हैं। पुराने लोग यूज करते थे नीम की डंडी, इसको यूज करते थे एज अ टूथपिक। तो ये बहुत फायदेमंद होता है नीम की लकड़ियाँ। यहाँ से ये बंद नहीं था, बाद में बंद करा दिया गया है। तो ये तीन गेट है, तीन द्वार है, मतलब तो इसको तिद्वारी बोला जाता था। अभी यहाँ से बस एक ही द्वार रह गया है, तो अंदर चल के देखते हैं तिद्वारी में क्या है। तो ये जो गेट है लोहे का, ये बाद में लगवाया गया है सेफ्टी पर्पज से। अब अंदर चल के देखते थे द्वारी में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे एक खटिया रखी रहती थी जहाँ पे अम्मा लेटती हैं, और यहाँ पे तखत पे पिता लेटते थे। अभी भी ये तखत यहाँ पे वैसा ही रखा है। और जो बाहर से तीन द्वार देखे थे वो यहाँ पे अलमारियाँ बना दी गई हैं। ये देखिए, ये पूरी डिजाइन दिखाओ, ये पूरे तीन द्वार ऐसे बने थे, द्वार की तरह बना है ना। तो यहाँ पे अलमारी बना दी गई है, सामान रखा जाता है, जैसे दूध वगैरह रखा है। और इधर भी ये भी एक तीसरा द्वार, और ये देखिए सामान यहाँ पे रखा है, ये अचार की बर्नी वगैरह, इस तरह से अचार स्टोर किया जाता है। दाल वाल रखी है, आलू रखे, यहाँ पे काफ़ी ठंडक रहती है और इस वजह से आलू और प्याज सब चीज़ें यहीं पे रखी है। और ठंडक क्यों रहती है इसका भी एक हम बता दें, क्यों ठंडक रहती है। ऊपर देखिए आप, ये देखिए ऊपर जो लिंटर पहले पड़ता था, लिंटर इस तरीके से पड़ता था कि लकड़ी के पट्टे हैं और उसके ऊपर ईंटें हैं, ईंटों में सीमेंट भी नहीं है, कोई वाइट वाला पहले अच्छा सा सीमेंट चलता होगा, ये उससे लिंटर डाला जाता था। तो ये काफ़ी ठंडक रहता था, और ये एक लेयर नहीं है, काफ़ी लेयर्स हैं ईंटे की। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पिता की तिजोरी है, यहाँ पे सब रुपए पैसे और हिसाब किताब की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको अभी हम लोग खोल के नहीं दिखाएंगे, ताला बंद है, अम्मा के पास चाबी है तो खोल के नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे ही बता रहे हैं। ये तिजोरी है, और इधर देखिए ये सब खूंटे लगे हुए हैं सामान चीज़ टांगने के लिए, ये खूंटा है, ये सब यहाँ पे पंखे वंखे यहाँ पे सब रख दिए जाते हैं जरूरत के साथ। आरे आपको पूरे घर में देखने को मिलेंगे, ये आ रहा है। और ये यहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ है कृष्णा फर्नीचर एंड सेल्स रावतपुर का, आइए उधर से दिखाते हैं। ये देखिए सारे पूरे घर में आपको आरे जरूर दिखेंगे, जरूरत की छोटी छोटी चीज़ें जो होंगी आरे में रखी रही होंगी, तेल और सारी चीज़ें। बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सामने वाली तिद्वारी। अम्मा अभी ये तिद्वारी के बाद ये हमारा आंगन है, और आंगन के बीच में ही तुलसी जी लगी हुई है। और आंगन में देखिए चार खंभे लगे हैं और ये जाल पड़ा हुआ है, जाल लगा है, जाल के चारों ओर रेलिंग है, पुराने जमाने की रेलिंग, और अच्छी सी नक्काशी हुई है उस पर। आगे देखते एक ये तिद्वारी है, आपको तीन द्वार टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको तिद्वारी बोला जाता था, दोनों तरफ तिद्वारी बनी थी, ये वाली बंद नहीं है। यहाँ पे चल के देखते हैं, ये सारा अनाज लगा हुआ है, देखते हैं अभी खड़े करो ना और घुमा के। यहाँ पे आपको तीन अलमारी मिलेगी, इधर वाली अलमारी हम लोग की होती थी,
उधर सूरज की अलमारी होती थी, दीदी की अलमारी, यहाँ पे सूरज का सामान रखा होता था, सूरज दीदी लोगों का, तब सीयू नहीं था, छोटू भी नहीं था, और इधर हम लोग सामान अपना रखते थे। और बीच में ये भगवान की अलमारी है, यहाँ पे जन्माष्टमी के टाइम ये हम लोग ऐसे इस तरह से सजावट करते थे, पूरी यहाँ से झांकी बनाते थे। और आइए देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये फ़ोन रखने के लिए स्टैंड बना हुआ था, यहाँ पे टेलीफोन रखा जाता था। और अभी यहाँ पे ये नया लग गया, पहले नहीं था, पहले गोल वाले स्विच लगे थे, जैसे पुराने टाइप के लगे होते हैं ना, उस तरह के लगे थे। टेलीफोन भी नहीं अभी कहीं पे रखा होगा, दिखाएंगे। उधर आपको दिखाते हैं, उधर एक कुठरिया है, ये देखिए ये कुठरिया है, यहाँ पे अभी कोई लेटता नहीं, सब सामान रखा हुआ है। ये देखिए पुराने जमाने के संदूक है, ये देखिए इसके अंदर भी कुछ चीजें स्टोर होंगी। ये संदूक है पुराने जमाने का, कितना लकड़ी का है ये। और ये टेलीफोन मिल गया हमें, टेलीफोन इस तरह का पहले टेलीफोन था, ये बहुत पहले था। उसके बाद जब हम लोग छोटे थे तब इसके बाद एक इससे थोड़ा सा अपडेटेड वाला आया था, तो ये बहुत पहले का है। इस तरह से इसको रख देते हैं, सारी चीज़ें जो भी जहाँ रखी हैं। एक ये टेलीफोन है, सारा ऐसे ही सब रखा पड़ा है। ये एक टेलीफोन है, ये भी बहुत पहले का है, एक हम लोग टाइम का भी था ना, ब्लैक कलर का था। और आइए ये देखिए, ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, और ऊपर टाल है या सामान स्टोर करने के लिए। और एक ये देखिए, ये खिड़कियाँ आपको हर जगह मिलेगी, खिड़की हम लोग बोलते हैं गांव में, हम लोग बोलते थे खिड़कियाँ, तो खिड़कियाँ में यहाँ पे सारे सामान, कुछ भी दूध वगैरह खराब होने से बचाने के लिए वो यहाँ पे रखा जाता था। तो अभी क्या चीज़ें रखी है, रखा रहने देते, बंद करते हैं और चीज़ें देखते हैं। ये क्या है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आरे बने, यहाँ पे आरे बने, ऊपर एक छोटा सा टाल बना है, और ये गेट के ऊपर भी इस तरह से टाल बना होता था। और एक ये खिड़कियाँ है, खिड़कियाँ आपको सब जगह दिखाई पड़ेगी। ये काफी गहरी है, अंदर तक है ये, यहाँ पे सामान स्टोर किया जाता था, खाना वाना रख दिया जाता था, पहले फ्रिज नहीं होता था, ठंडक के लिए यही रखा जाता था, अभी भी कुछ जरूरी चीजें रखी हुई है। बंद कर देते हैं इसको, ताला वाला पूरा बता दो, कुंडी ताला सब चीज लगी रहेगी इसमें। एक यहाँ पे बूढ़ी चाची की कुठरिया है, बूढ़ी चाची की कुठरिया बोला जाता था, ये गेहूँ स्टोर करने के लिए टंकी है। और इसके बाद बूढ़ी चाचा की कुठरिया में, बूढ़ी चाची की कुठरिया में सारा अनाज स्टोर करके रखा हुआ है, अंदर जाने की जगह नहीं है, वरना हम आपको करके रखा हुआ है, पूरी बोरियाँ ऊपर तक लगी हुई है, अंदर जाने की जगह नहीं है, वरना हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े मटके रखे थे, है जगह, आओ अंदर आओ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के और भी उधर साइड रखे हुए हैं, अभी यहाँ पे एक ही दिख रहा है, अंदर जाने की जगह नहीं है। ये इतने बड़े बड़े मटके, इसमें भी अनाज स्टोर करके रखा जाता था। और उधर देखिए ये सब रखा हुआ है, ये अलमारी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, ये सारा मटकी और ये सारा चीज़ रखा हुआ है, बाट रखे हुए हैं तौलने के लिए अनाज वगैरह। ये देखिए ये छोटा सा क्या है इसका, ये छोटी सी बैठने के लिए मचिया या पिढ़िया बोलते हैं, वो रखी हुई है यहाँ पे। और अंदर ऐसा ही है सारा, ये एक छोटा सा गेट टाइप का, यहाँ पे एक खुफिया दरवाजा था, इसमें से मतलब एक आदमी भर की जगह, इतना कि आदमी खड़ा हो जाए और सीधा सीधा लेट जाए, इतनी जगह है इसमें। एक खुफिया टाइप का दरवाजा था, उसमें गेट भी है, अभी वो अंदर साइड खोल के और बोरी लगा दी गई, इसलिए वो दिख नहीं रहा, वरना आपको दिखाते। थोड़ा सा यहाँ पे सांप वाप का खतरा रहता है, कभी कभी एक दो बार निकले हैं, यहीं से भी निकल सकता है सांप, तो यहाँ से हम लोग को चलना चाहिए। लाइट भी नहीं है अंदर, इसलिए हम लोग टॉर्च लेके गए थे। तो अभी यहाँ से हम लोग ने बूढ़ी चाची की कुठरिया और दीवारी वाली कुठरिया देखी है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे चौके वाली कुठरिया। अभी खाना यहाँ पे बनता है, क्योंकि अंदर नहीं बनाता कोई, तो यहाँ पे खाना बनता खुले में, पहले चौके में बनता था। ये एक छोटा सा गेट है उधर जाने के लिए, झांकने के लिए, जाने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग बचपन में चले भी जाते थे इससे, अब उधर वाला बंद रहता था, इधर से चले जाते थे। औरतें यहाँ से खाना ऐसे करके रख देती थी या झांक लेती थी, इस तरह से ये बना हुआ है, कितना मतलब
अभी आपको चूल्हा नहीं मिलेगा क्योंकि चूल्हे अब नहीं होते और ना चूल्हे पे खाना बनता है। तो आपको दिखाते हैं पहले का चौका कैसा होता था। आपको अभी दिखाते हैं कि पहले के ज़माने में चौका कैसा होता था। हमारा घर लगभग 200 साल पुराना है ऐसा हमने सुना है। तो उस टाइम पे खाना कैसे बनता था, चौके में क्या अलमारी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे चूल्हा बना होता था, यहाँ पे खाना बनता था, इस जगह पे चूल्हा है। हमें भी याद है हमारे ज़माने में भी, मतलब जब हम बचपन में इसी जगह चूल्हा बना हुआ था, यहाँ पे खाना बनता था। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सामान, चीज़ किचन का सामान सब रखने के लिए आ रहा है। ये अलमारी है, ये देखिए कितनी गहरी गहरी अलमारी बनी है। अंदर देखिए ये जो इतनी गहरी अलमारी है ना, ये इतना चौड़ा दीवार बना है। यहाँ से खिड़कियाँ है, यहाँ से झाँक के उधर देख सकते थे कौन आया है कौन बैठा है। और यहाँ से ही नाश्ता वास्ता पास कर दिया जाता था। जो बहुएं होती थी वो इस तरह से आवाज़ लगा देती थी अपनी सासों को कि आइए भाई खाना ले जाइए। तो इस पर्पज़ से ये खिड़कियाँ बनाई गई होगी उस टाइम पे। बस घर का पीछे वाला दरवाज़ा है, ये यहाँ से आप पीछे निकल जाएंगे, उधर से आगे वाला दरवाजे का दरवाज़ा है। ये पूजा का मंदिर है, इसको कुइयां घर बोला जाता था पहले। और कुइयां घर क्यों बोला जाता था अंदर से दिखाते हैं आपको। और इस कुएं के यहाँ होने की वजह से इसको कुइयां घर बोला जाता था। अब यहाँ पे पूजा करी जाती है, सारा सामान है। और ये बंद कर दिया गया है कुआं क्योंकि अब इससे पानी नहीं आता है। और सारा सब सामान रखा है, रस्सी वगैरह और ये लालटेन जिसका अभी कोई यूज़ नहीं है। दूसरा एक फोटे में टंगी हुई थी ये लालटेन जिसका अभी कोई यूज़ नहीं है। इसको देख के बस पुरानी यादें ताज़ा होती हैं कि किस तरह मम्मी लोग इसका कांच निकालती थी, रोज़ शाम को साफ करती थी, इसमें लगाती थी, मिट्टी का तेल भरती थी और ये लालटेन जलाती थी। तो अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये यहीं पर रख देते हैं। अल्लाह फुल्लो। अभी आपको ये वाले गेट से पीछे ले चलते हैं, पीछे का घर है। ये कुठरिया बंद है, इसमें आटा वगैरह रखा जाता था। और अभी इस समय भी आटा और गाय का दाना ना सब इसी में रखा हुआ है। ताला बंद है क्योंकि ये गेट हमेशा खुला रहता है। अब पीछे चल के दिखाते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे भैंस बनती थी, अभी हमारे यहाँ भैंस नहीं है, दो गाय हैं वो भी उधर साइड बंधी हुई हैं। यहाँ पे ये जो बनाया गया है गाय के लिए चारा वगैरह सब यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और नल लगा हुआ है यहाँ पे, ये टीन अभी लगाई हुई है, पहले नहीं थी तो अभी लगाई हुई है। तो पीछे से आपको पूरा घर दिखाते हैं, घर का पीछे का हिस्सा किस तरह से नज़र आता है। ये छोटा वाला गाय का बच्चा अभी हुआ है, बच्ची बच्चा। अरे तुम डर क्यों रही हो, क्यों डर रही हो, क्यों डर रही हो। ये देखिए घर का पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए ये जो चार खंभे लगे हुए हैं इनके बीच में आप छोटे छोटे से लोहे के कड़े देख रहे हैं। इस पर पहले चिड़िया बैठी रहती थी, पहले चिड़िया बहुत होती थी, अब गौरैया जो है बहुत कम हो गई हैं। तो पहले यहाँ पे ये जितना भी है इसमें सब में चिड़िया बैठी रहती थी। अभी आपको छत पे लेके हम चल रहे हैं। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। अभी काफ़ी धूप है इसलिए हम लोग छत पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है धूप की वजह से। शाम को आपको दिखाएंगे, ऊपर दो कमरे हैं, कमरे की छत है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आज गए का हाथ कर ले। खाते खाते भी आगे आता रहेगा।
ये रो रहा था, क्यों रो रहा था? अच्छा घूमने के लिए रो रहे थे। कुछ दिखाओ, खाओ तो खुश भी हुए। चला गया। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा ये इनका भाई है। अन्या को जानता है, हमें भी जानता है, तो हमें देख के हंसने लगता है जब देखो। तो अन्या को देखे नहीं, देखो देखो अन्या इसका भाई ला रहा हूँ 25 रुपए। अच्छा 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 सही गई बा। अभी हम लोग जो ऊपर का हमारा पार्ट रह गया था देखने को, वो देखने के लिए चल रहे हैं। तब तक यहाँ पे बच्चे सारे हैं, तो ये लड़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं सब। वैसे हम लोग अंदर चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग छत पे कैसा बना है हमारे घर का छत। अब यहाँ पे एक चीज रह गई थी परोठे में दिखाने वाली, तो हम आपको दिखाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिक्योर चीज। मुसब्बर बोलते हैं इसको। ये बंद हो गया, ये कुंडी लगा दिया। अब यहाँ से एक ये सिस्टम देखिए, देखा टॉयलेट में ये सिस्टम है। देखिए ये इस तरह से यहाँ से निकलता है और ये लॉक हो जाता है यार इस तरह। ये देखिए ऐसे ये लॉक हो जाता है पूरा अंदर जाके, अब गेट नहीं खुलेगा। तो ये एक लॉक सिक्योरिटी सिस्टम पहले चलता था। अभी इसको खोल देते हैं। गांव का गेट हमेशा खुला रहता है, तो गांव के गेट हमेशा घर के खुले रहते हैं। तो अभी ये खोल दिया हमने, चलते हैं आपको छत दिखाते हैं। आप जब छत पे पहुंचेंगे तो आपको इधर ये एक अंटा दिखेगा और एक वो अंटा, अंटा बोलते थे कमरे के छत को, यहाँ पे अंटा बोला जाता है। तो ये एक यहाँ से चढ़ने का रास्ता है और एक यहाँ से जीने वाले यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और ये हमारा आंगन है, तो ये हमारा आंगन है। जाल पड़ा है, जाल के चारों ओर ऐसी रेलिंग बनी है। और ये डिज़ाइन देखिए कितनी प्यारी, ये डिज़ाइन चारों तरफ बना हुआ है। ये जो आपने अंटा देखा है, ये कमरे के छत को अंटा बोला जाता है। तो ये एक यहाँ कमरा है, एक उस तरफ कमरा है, दो कमरे छत पे बने हुए हैं। और किस तरह के कमरे हैं आइए आपको दिखाते हैं, फिर अंटे पे ले चलेंगे। ये देखिए टेलीफोन आपको हर जगह मिलेगा, इस तरह का टेलीफोन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। बाकी बच्चों ने तोड़ फोड़ के खेल वेल में फेंक दिया है। इतना बड़ा बड़ा कमरा होता था पहले और इतना अभी भी इतनी मजबूती है। ये देखो वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ, एक इस तरफ एक खिड़की है, उधर दो खिड़कियां लगी हैं और एक इधर दरवाजा है। तो ये हवादार कमरा है। हम लोग जब गांव आते हैं तो यहीं पे लेटते हैं, सर्दियों में तो जरूर से जरूर यहीं लेटते हैं, और गर्मियों में छत पे यहाँ पे लेट जाते हैं, अंटे पे लेट जाते हैं। एक सबसे दिखाने वाली चीज़ है वो ये है, ये पुराने जमाने के बल्ब और ये अभी भी काम करते हैं। ये देखिए लाइट बंद हो गई, अब चालू नहीं हो रही है। तो ये देखिए ये यहाँ से लाइट बंद हो गया और ये अरे चालू नहीं हो रही, अभी हो जाएगा। बल्ब लगा, देखिए ये देखिए कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, अभी चालू हो जाएगा। देखिए सारे स्विच काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, देखिए लाइट जल गई अभी। तो ये भी पुराने जमाने के सारे वही लगे हैं, कब के जब लोग बचपन में देखा करते थे तब से अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। बाकी पूरे घर के चेंज हो गए, ये वाले चेंज नहीं हुए हैं। और ये देखिए ये एक बांस इस तरह का लगा होता था कपड़े फैलाने के लिए और चद्दर वद्दर फैलाने के लिए, इस तरह का लगा होता था। हमेशा से ये ऐसा ही है, चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत मजबूत वाला ये बांस है। चलिए अभी बाहर चलते हैं।
अभी यहाँ पे बस इतना ही है, अंडे पे चलते हैं हम लोग। पहले ये कमरे का, तब ये हमारी छत है, ये पूरा यहाँ पे छत है, ये छज्जा है घर। यहाँ से कुछ ईंटे, पहले यहाँ पे और लगा था, अभी ईंटे ईंटे गायब हो गए हैं। इस तरह का लोहे का आपको रॉड हर जगह मिलेगा, ये पूरे घर में इसी तरह के लगे हुए, लिंटर विंटर में यूज़ हुए, तो बच गया होगा तो यहाँ पे लगवा दिया गया। ये हमारा छज्जा है, उधर जाना मना है क्योंकि बच्चों के लिए, जब हम लोग बचपन में थे तो मना किया जाता था उधर नहीं जाना है, हम लोग अभी भी नहीं जाते हैं उधर। आइए, ट्रेन की पटरी है, तो अभी कमरे के छत पे हम लोग हैं, अंटे पे चलते हैं। बरसात में जब यहाँ पे पानी गिरता है तो यहाँ से पानी निकलने की, देखिए ये व्यवस्था है, यहाँ से पानी निकलता है और वहाँ से घर के बाहर निकल जाता है, और इसी तरह उस साइड भी बना हुआ है। तो ये है हमारी पूरी छत, और अब बचे हैं आपको दोनों अंटे दिखाने के लिए, तो अंटे पे आपको ले चलते हैं, पहले उधर चलेंगे और फिर उधर चलेंगे। ये हमारा ताड़ का आपको पेड़ दिख रहा होगा, यहाँ से कोई फ़ोटो खिंचाते तो बहुत सुंदर आती ताड़ के पेड़ के साथ। हम लोग इस अंटे पे चल रहे हैं, यहाँ पे ये रेलिंग लगी हुई है, उस साइड वाला नहीं लगा, इसको पकड़ के चल सकते हैं इजीली। ये देखिए, बचपन में यहाँ से बहुत डर लगता था, बिना किसी बड़े के आते नहीं थे अकेले यहाँ पे। ये अंटा इसको बोलते हैं, यहाँ से पूरा गांव दिखता है। ये सेकंड फ्लोर हुआ ना, तो ये आपको गड़ैया दिख रही है, हरे हरे कलर का पानी है, ये लोगों के घरों का पानी निकल के उस गड़ैया में भरता है और फिर सूख जाता है, पूरा भरता नहीं है। उधर के भी आपको घर दिख रहे होंगे, सब दिख रहा है। यहाँ से आप देखिए घर के पीछे वाला हिस्सा, पीछे में ऐसे गली गई है, वहाँ पे हमारा जो एरिया है वहाँ पे गाय बांधी जाती है, धूप के टाइम पे वहाँ पेड़ के नीचे गाय बनती है, और दिन में यहाँ बंधी रहती है शाम के टाइम। ये देखिए ये घर के पीछे कुछ इस तरह दिखता है, और वो उधर वाला अंटा है, अभी उधर चलते हैं, उधर से आपको दिखाते हैं। चलो यहाँ पे बचपन में खेलते थे, अभी डिश टीवी लग गई है। ये देखिए उधर वाले अंटे पे आपको ये डिजाइन नहीं दिख रही होगी, इस साइड पे ये सब ये डिजाइन बनी है, हवा आने के लिए ये बना हुआ है पूरा कट कट करके। और यहाँ से व्यू इधर का दिखाते हैं, देखिए ताड़ का पेड़ है, पहले इसमें फल लगते थे तो हम लोग खाया करते थे, अभी कुछ नहीं लगता है। इधर देखिए पूरा इधर सारा आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी गांव में, ये देखिए चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी, यहाँ से वो महल दिख रहा है हमारा। ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, हमने आपको पूरा अपना बचपन का घर दिखा दिया है। अगर आपको महल का व्लॉग देखना है, वो महल है, महल का पीछे वाला हिस्सा यहाँ से दिख रहा है, ये भी हमारे ख़ानदानी लोगों का ही था, पहले लोग वहाँ रहा करते थे, और टाइम पीरियड लगभग ये वाले घर का और महल का एक ही है, वो पहले बना था ये बाद में बना है। तो अगर आपको महल का व्लॉग देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट व्लॉग जो है महल का बनाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।